चुका हूँ डी पार्क के अंदर और फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है देखने के लिए। तो भाई जैसे ही हम भीतर बढ़ोगे ना तो एक झील दिखाई देगी, ले मैं दिखाऊं तुम्हें झील किसी है। भाई उधर ग्रीनरी बहुत बढ़िया है, बाकी मोस्ट ऑफ द कपल्स ही हैं यहाँ पे। कोई ना भाई ठीक है, तो यहाँ है भाई सिर्फ कपल्स देख सकते हो जैसे कि आप मैंने बताया था। तो भाई बेसिकली पार्क ही है, इसमें कुछ खास अलग बात तो है नहीं। निकले भाई हाँ बड़ा है, ग्रीनरी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कपल ही नज़र आएंगे और जो आसपास के जो लोकेलिटी के जो भी मतलब बुढ़े ठहरे हैं यार अपनी घराड़ियाँ गला रहे हैं और ऐसा कुछ खास ना है कोई तो हमने कुछ देखने मिला का, तो रिकमेंडेड प्लेस ना है वो। हाँ फोटोशूट के लिए अच्छा है, अगर आपको फोटोशूट करना चाहो तो हाँ लोकेशन अच्छी है उरास को। तो भाई इस पार्क में एक ओपन जिम भी है, चलो एक आधी एक्सरसाइज करके देखते हैं। तो भाई इस जिम की खास बात ये है ये सिर्फ बॉडी वेट को ही पुलअप करती है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा वेट नहीं लगा सकती, तो सेल्फ बॉडी का जो वेट है वो ही पुलअप करेगी। यहाँ पे यो देख गेट बंद था स्पेशल तोड़कर फिर ऊपर चढ़ा हूँ, व्यू देखो यार मतलब। फिलहाल यहाँ तक ये है हौज खास विलेज में जो भी है, मतलब एक पुराना सा किला है और मतलब ग्रीनरी अच्छी है, टाइम थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए बढ़िया जगह है, लेकिन दो घंटे ढाई घंटे से ज़्यादा ऊपर स्पेंड ना कर सकते भाई उधर। तो बाकी बाहर जाकर मार्केट देखते हैं क्या कुछ खान को मिलता है और देखते हैं चलो। तो भाई मैं हूँ फिलहाल हौज खास की मार्केट में, चलो दिखा देते हैं आपको क्या कुछ यहाँ पर मिलता है। भाई मेरे पीछे ये बार है देखो, हाई फाइव नाम करके कुछ है और इसमें ये है अगर आप अपनी फ्रेंड या किसी गर्लफ्रेंड के साथ एंट्री करते हो ना तो उसके लिए ड्रिंक्स बिल्कुल फ्री हैं और मतलब क्राउड भी यहाँ पे अच्छा रहता है। और ये है जो भी कुछ खाना पीना करोगे उस पर तुमने करीब करीब 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ठीक है भाई। रात में क्राउड अच्छा हो जाओ है लोग विजिट करना स्टार्ट करते हैं, क्लब हैं आसपास में दो तीन और मतलब कपल्स ही आते हैं मोस्टली यहाँ पे। काफ़ी अच्छी लोकेशन है यार, लाइटनिंग ज़बरदस्त है यहाँ पे। We'll be right back.
गोलगप्पे बढ़िया थे, ये खाऊंगा आइसक्रीम। तो ठीक था यार, आज का दिन सही कट गया, ये चलना अपने घर में।